फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आईटेल एसीई मोबाइल में फ्रेंड्स कॉल डाइवर्ट करना या फिर फॉरवर्ड करना। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा आपका मोबाइल का सेटिंग पर, और सेटिंग पर जाने के लिए एक बार मेनू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको साइड पर देखने को मिल जाएगा आपको मोबाइल का सेटिंग, और सेटिंग पर आ जाने के बाद आपको दूसरा नंबर पर देखने को मिल जाएगा कॉल सेटिंग्स। तो आपको कॉल सेटिंग्स पर आके एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, देखिए फ्रेंड्स कॉल डाइवर्ट लिखा हुआ है, आपको उसे सिलेक्ट करके मेनू बटन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको वहाँ पर तीन चार ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि फ्रेंड्स जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कॉल फॉरवर्डिंग अनकंडीशन। फ्रेंड्स, किसी भी कंडीशन पर आपका मोबाइल का जो कॉल है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। और जो दूसरा है कॉल फॉरवर्डिंग ऑन बिजी, जब आपका नंबर बिजी रहेगा तब कॉल फॉरवर्ड होगा। और तीसरा जो है कॉल फॉरवर्डिंग ऑन नो रिप्ले, जब आप रिप्ले नहीं करेंगे तब आपका कॉल फॉरवर्ड होगा। और जो तीसरा है डाइवर्ट इफ़ अनरिसीवेबल, अगर आपका नंबर अनरिसीवेबल रहे तब कॉल फॉरवर्ड होगा। और जो तीसरा है कैंसिल ऑल डाइवर्ट्स, तो आप वहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉल फॉरवर्डिंग अनकंडीशन तो मैं उसे सिलेक्ट करके एक्टिवेट पर क्लिक कर रहा हूँ, और उसके बाद डाइवर्ट टू नंबर पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पर आपको नंबर डाल देना है जिस नंबर पर आप कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं वहाँ पर एक नंबर डाल रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मैंने वहाँ पर नंबर डाल दिया। और उसके बाद फ्रेंड्स मेनू बटन पर क्लिक कर देना है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग होगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो कॉल है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।